हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आदित्य फिटनेस ब्लॉगर में। तो यार काफ़ी दिन बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट की है, देख ही सकते हो आप लोग। तो कार्डियो से ही स्टार्ट करता हूँ। फ्लोर एरिया काफ़ी बड़ा है तो रनिंग भी हो जाती है यहाँ पे। कम से कम 40 से 50 मीटर का फ्लोर एरिया है तो भाई काफ़ी अच्छे से जो है रनिंग यहाँ पर करी हमने। इसके बाद जो है पूरी रनिंग कंप्लीट करने के बाद हालत देख सकते हो यार आप सब, क्योंकि जब मैंने वर्कआउट छोड़ा था तो 85 केजी मेरा वेट था, अभी मैं 89 पॉइंट कुछ, मतलब 90 समझ सकते हो यार। तो यहाँ पे हैमर कर्ल से बाइसेप की वर्कआउट करी हमने और काफ़ी दिन बाद वर्कआउट कर रहा था तो यार मज़ा तो आ रहा था कि यार शरीर को जो दर्द देने में मज़ा आता है ना, क्या ही कहा जाए उसका। और अभी सबसे ज़्यादा मज़ा तो लास्ट में आएगा जब मैंने 4 फिट की हाई जंप मतलब करी है। यहाँ पे आप देख लो, रनिंग के बाद ही हालत बेकार हो रखे थे, उसके बाद हैमर कर्ल किया बाइसेप के लिए और यार वेट बढ़ा इस बार ज़रूर है लेकिन मसल्स गेन हुए हैं। सबसे बड़ी मतलब अच्छा कह सकते हो मेरे लिए तो ये अच्छा है कि यार मसल्स बढ़े हैं, पेट बहुत ही कम बाहर आया है। पहले वेट बढ़ता था तो भाई पेट ज़्यादा निकल आता था और मसल्स वैसे ही रह जाते थे, चेस्ट अंदर बाइसेप का साइज वही 12-13 रह जाता था। बाकी साथ साथ ही हमने डंबल कर्ल भी कर लिया 5 केजी के डंबल से और 7.5 केजी के डंबल से। इसके बाद पुशअप लगाऊंगा भाई, कुछ नए नए तरीके से पुशअप्स वगैरह लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को यार तरीका पसंद आए कमेंट में ज़रूर आप लोग बता देना। बाकी अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे जंप। पहले तो 2.5 फिट के बॉक्स पे जंप करी हमने, उसके बाद 3 फिट का बॉक्स, उसके बाद यार लास्ट में मैं मैट रखता हूँ एक्स्ट्रा 1 फिट हाइट और करके, मतलब 4 फिट पे जंप किया है और क्लियर जंप किया है। एक भी बार जो है ऐसा नहीं हुआ कि गिरा हूँ या कुछ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यार। कहता रहा हूँ कि काफ़ी दिन बाद वर्कआउट किया लेकिन मज़ा आ गया। अब ये देख लो 3 फिट के बॉक्स पे भी एकदम क्लियर जंप, और भाई मज़ा तो आया ही यार। और आप सब भी ये ट्राई कर सकते हो, इससे यार स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगी आपकी ये वर्कआउट करने से, और साथ साथ आप का वेट मतलब जो फैट है वो बहुत तेज़ी से कम होगा, जैसे पेट पे जो फैट है, बाकी पेट का फैट और साइड साइड जो फैट होते हैं यार, थाई पे जो है ये सब फैट बहुत जल्दी कम होता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि मैंने 3 मैट एक्स्ट्रा रखे हैं जो कि अभी 4 फिट से मैंने हाइट चेक करी थी, 4 फिट से थोड़ा सा कम था, 3 फिट कुछ 7 या 8 इंच थे, 8 इंच थे शायद। इसके बाद 1 मैट और मैं ऐड करता हूँ, 4 फिट एकदम क्लियर जंप किया था भाई, मज़ा तो खूब आया। लेकिन वही है कि काफ़ी टाइम के बाद वर्कआउट किया तो वर्कआउट करते करते थक जा रहा था भाई, 1 मैट और ऐड कर दिया। देख लो आप सब, ये भी क्लियर जंप होगा लास्ट में, ये रहा। अब बाकी ये सब तो माहौल बना रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब कर देना यार जो लोग